तरीके से कुल्लू काम कराए। ये तीन पिंडों का कुल्लू है। अच्छा भाई, इस तरीके से बेल्ट लगा के आसानी रहती है खींचने में। भाई और नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अलावत पर। भाइयों, आज शामली के बमेड़ी गांव में पहुंचे हैं और आपको गुड़ बनाने की प्रक्रिया सारी दिखाएंगे और इस समय भाइयों कुल्लू में क्या भाव चल रहा ये भी जानकारी देंगे और आज अपना गुड़ बनवाने के लिए भी आए हैं। 15023 वेराइटी है भाइयों जिसका गुड़ बनवाने के लिए आए आज। और भाइयों, कुल्लू में गुड़ किस तरीके से बनता है ये सारी कुछ जानकारी लेंगे। ये इस तरीके से गुड़ बनता है भाइयों। ये हमारे गन्ने हैं जिनका जो है ये कुल्लू में लगाए जा रहे। हाँ जी भाई साहब, अपना नाम बता दो एक बार। प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, तो आपका गन्ने लगाने का काम है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ हाथ आने का वगैरह का खतरा तो नहीं? कुछ हाथ वगैरह का ना वैसा कोई है नहीं, अगर कोई अंतर्की हो जाए तो हाथ भी आ सकता है। अच्छा। हाँ जी, वैसे सेफ है? कोई वैसे सेफ है। अच्छा, तो इसमें जैसा ये ताजा गन्ना है इसका तो गुड़ अच्छा बनेगा ना? तो बनेगा, चमकदार गुड़ बनेगा इसका जी। हाँ, 23 वेरायटी है ना? 23 वेरायटी है। तो आपकी कुछ मजदूरी है कि दाढ़ी किस तरीके से काम करते हो? ठेका है जी इसमें। अच्छा, ठेका होता है? हाँ जी, गन्ने का। अच्छा जी, देखो भाइयो, ये लेबर का अलग अलग काम है यहाँ पे और ये भाई इनका खोई का काम है। हाँ जी, एक बार नाम बता दो अपना। नाम संजय कुमार है जी। संजय कुमार जी, आपका ये खोई का काम है? हाँ, ये सब हमारा, ये तीन चार लोग हम इकट्ठे हैं, हमारा ठेका होता है, ये आपस में मिलजुल कर काम करते हैं बाटू। अच्छा जी, जी। तो ठेके पे काम है जी, जी। ये देखो भाई, ये जो है जो जो खोई निकल रही और ये गन्ने निकालने का इनका अपना अलग काम है, गन्ना उतारना और ये खोई ले जा कर मैदान में डालनी और गन्ने लगाना, ये इनका काम है। तो देख लो भाइयों, इस तरीके से कुल्लू काम कराए। तीन पिंडों का कुल्लू है। अच्छा भाई, इस तरीके से बेल्ट लगा के आसानी रहती है खींचने में? जी जी जी। ये देखो भाइयों, इन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से बना रखा है कोई ले जाने के लिए। पिंड में इसको डाल कर आते हैं सुखाने के लिए। देखो जी, ये गुड़ बनाने की प्रक्रिया है, ये खाने का गुड़ बना रहे हैं इस तरीके से और ये जो है ये जो पिंडी है ये बिक्री के लिए बनाई जाती है। अब किसान भाई का गुड़ बनना शुरू होगा देसी भाइयों, इसमें किसी भी केमिकल की का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये देखो, इस तरीके से मैं सारा गुड़ दिखाऊंगा आपको। ये चार कढ़ाए हैं भाइयों, पहले कढ़ाई में इस तरीके से रस आता है। ये देखो, इस साइड से जो कुल्लू चल रहा है उसमें से रस होके और ये दो होती बनाई गई है छोटी स्टोर करने के लिए और ऐसे पाइप से आके और यहाँ पर रस आता है और ये इस तरीके से गर्म होता है। ये रस गर्म होने के बाद में स्टेप बाई स्टेप जो है इसकी मैली उतार के और इस तरीके से फिर लास्ट में वहाँ इसमें चाक खोलते हैं, इसको चाक में पहुँचता है गुड़ जिसकी जानकारी लेंगे। हाँ जी भाई साहब, आ जाओ एक बार। जो चारों कढ़ाए हैं इसमें क्या प्रक्रिया है, ये दिल्ली कौन लटका रखी? फिल्टर हो जाए, वो मल्ली है। है जी, मैल है वो, मैल फिल्टर होने के लिए है। हाँ। तो इसमें ये फिल्टर करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हो? अच्छा, ये सुखड़ाई होती है। ये सुखड़ाई किस चीज से बनाई जाती है? फिल्टर से बना। अच्छा, पौधा होता है इस टाइप का? हाँ, जो इसको साफ करने में इस्तेमाल होती है। हाँ, फिल्टर को करा जाता है। अच्छा, ये जो उसको फिल्टर करा है। अच्छा, ये पौधा सुखलाई का पौधा आता है। देखो भाइयों, ये प्रक्रिया दिखाता हूँ मैं आपको नली उतारने की, किस तरीके से जो है गुड़ बनाया जाता है।
मिनट में ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इस तरीके से इसकी जो है इसका मैल होता है उसको उतारते हैं। ये इसमें एक पेड़ आता है, देसी पेड़ होता है, सप्लाई बनाते हैं उससे, उसका इस्तेमाल किया जाता है मैली उतारने के लिए। इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता भाइयों। ये मैल उतर जाता है उस पौधे से, उससे तैयार किया जाता है। इसे मैली उतारने का जो है वो इसमें तैयार करते हैं उसको, ये सप्लाई तैयार करते हैं और ये डाल के ये मैली उतारते हैं इस तरीके से। ये देख लो भाइयों, आखिरी के कड़ा में जाने के बाद में ये गुड़ इस तरीके से सख्त करना पड़ता है, डोरा बोलते हैं इसको यंत्र को। इससे इससे इस तरीके से घुमा के इसको सख्त करेंगे और फिर यहाँ इसमें चाक में इसमें डालने के बाद में इसको तैयार किया जाता है गुड़ को। तो ये तो फाइनल स्टेप है भाई साहब, फाइनल। इसके बाद इसमें चाक में चला जाएगा। तो इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जो आप घुटाई कर रहे हैं? आँच का करना पड़ेगा, ठंडी ना हो। है जी, आँच का, आँच का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पीछे जो भट्टी में वो आग रोकनी पड़ती है। हाँ। ये देखो भाई, यही जानते हैं इसकी तकनीक को। इसमें आँच का बड़ा महत्व है, इसको जो है धीरे धीरे आँच करनी पड़े। इसमें भट्टी की जो आग है उसको रोकना पड़ता है यहाँ पर आने के बाद में। जब ये इस तरीके से हो जाता है तो तब इसको जो है सख्त करने के बाद में इसमें लेकर आते हैं, क्योंकि ये देखो इसका भी कम हो गया आँच रोकने के बाद में, ये भी कम हो गया, इसका भी उबाल और इसका भी उबाल। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है देसी गुड़ बनाने के लिए। तो भाइयों उसके बाद जो है इसमें चाक में इस तरीके से लेकर आते हैं। कड़ा खाली कर रहे, चाक में निकाल रहे और यहाँ से चाक में से आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ये शक्कर तैयार होगी और अब ये भी शक्कर का ही है एक। ये देखो जी, शक्कर से शुरुआत हुई, शक्कर का चाक तैयार कर रहे हैं। ये इस तरीके से खुरपे से भाई इसे पलटना पड़ता है और ये धीरे धीरे ये सख्त होना शुरू हो जा। कुछ ही देर में इस तरीके से शक्कर का चाक तैयार हो गया। और बाद में इसको ठंडा होने के बाद में जो है हाथ से इसको भुरभुरी करते हैं। धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू होगी और यही चाक में जो है इसका ये खिलनी शुरू हो जाएगा। इसको जो है माते देसी शक्कर बनकर तैयार है भाइयों। अब इसमें थोड़ा सा हाथ निकाल लेंगे गली इसकी जो है ख़त्म करने के लिए। शक्कर तैयार। हेलो भाइयों, कुल्लू के ठेकेदार से भी बात कराओगे? हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना एक बार परिचय करा दो जी। जिला शामली जी, गाँव अमेडी शाहपुर जी, गणेश नाम। अच्छा, नाम गणेश है जी। हाँ जी। अच्छा, तो अब कौन से गन्ने से गुड़ बढ़िया बन रहा है जैसे आप सीजन में गुड़ बनाते आ रहे? 3102। अच्छा, 3102। हाँ, सबसे नंबर वन। अच्छा जी। हाँ, एक नंबर का माल है इसमें, एक नंबर बने। हाँ। कुछ ज्यादा भी नहीं रिकॉर्ड है जी? ज्यादा भी रिकॉर्ड है।
अच्छा सबसे ज्यादा डिमांड है। तो इस टाइम वैसे क्या भाव ले रहे हैं आप, जैसा गुड़ बना रहे हो बिक्री का भी? 400 रुपये ले रहे। अच्छा 400 रुपये करना ले रहे जी। और गुड़ मान लिया कोई लेने आ जा तो गुड़ आप क्या भाव दे रहे? 5200 रुपये क्विंटल। 5200 रुपये क्विंटल जी। देसी गुड़? देसी गुड़ प्योर जी। तो आप कुछ केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करो? कुछ नहीं लगा है जी, बिल्कुल कुछ नहीं लगा। और इसको सफाई के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करो जी? वो सप्लाई का। अच्छा सप्लाई? हाँ सप्लाई लगेगा। ये सप्लाई किस चीज़ से बनाते हो? ये खेतों बोई जाए। अच्छा हाँ खेत बोई जाए, खेत खेत में पिंडा होता है कोई? हाँ पिंडा हो, ज्यादा भिंडी का पिंडा हो जी जी खेत हो जी। और ये जो है ये बिक्री के लिए बना रहे हैं, ये कितना पैकिंग है जी? ये 10 किलो का पैकिंग है। अच्छा और कौन कौन सा गन्ना आ रहा है आपके पास? 38 है रहा, 0.35 दो है रहा, 23 है रहा, 39 है रहा, 40 वो 18 है रहा, 20 बहुत है रे। अच्छा जी अभी सब डाले रे। तो वैसे गुड़ बनाने में आपको 32.02 और 23 बढ़िया वो तो। अच्छा इससे ऊपर नहीं लगी? हाँ 32.02 को आप ज्यादा रेट में भी ले लेते हो? हाँ ज्यादा रेट में ले लिया 32.02। अच्छा जी तो ये देसी गुड़ शक्कर बना रहे जी आप? हाँ जी। तो ये इस साल सीजन कैसा रहा है जी किसानों के लिए आज से भी और आपके भी? किसानों के लिए तो बढ़िया रहा जी, किसानों ने तो चोट चाप दिया, छत लगा दी उनका। अच्छा जी ये कुल वाले पिट गए महंगे भाव में। अच्छा हाँ तो आपको पड़ता ठीक नहीं आ रहा का? नहीं तो ठीक है रहा जी। हाँ तो गन्ना महंगा लेना पड़ा इस साल? गन्ना महंगा लेना पड़ा जी जी। भाइयों ये देखो गुड़ महंगा बिक रहा है जी, गुड़ महंगा बिक रहा हाँ जी। वो तो देखो बहुत ही है, बगैर एवरेज का कैसे करेगा ठेकेदार भी? हाँ बिना एवरेज के तो कुछ कर ही नहीं, बंद ही रहेगा जी जी। हाँ तो कितने साल से गुल्लू चला रहे हैं आप? गुल्लू चला रहे 2006 से। 2006 चला रहे जी। ये जो लेबर का इंजाम है ये आपकी घर की है कि कैसे इंजाम करना पड़ता है? घर की है लेबर मेरी। अच्छा सबका काम अपना अलग अलग है? अलग अलग है सबका जी। तो यहाँ पे आप कौन कौन सी वेरायटी बना रहे जी? बस ये देसी गुड़ बना रहे हैं, शक्कर गुड़ बस और कुछ नहीं। नहीं गुड़ में ये जो कई कैटेगरी बनते हैं ना? हाँ ये अलग है, पतासा है। अच्छा मोटा है, उसका मोटा है, शक्कर है जी, चेयर क्वालिटी है मेरे पास। अच्छा अब कौन सी की मांग ज्यादा है? जी पतासे की मांग ज्यादा है। अच्छा ये छोटा छोटा बनता है? हाँ जो छोटा बनता है जी जी जी। चलो ये देखो भाई हाँ ये गणेश भाई है, ये पतासा कौन सा जी दिखाई जो? वो देखो ये पतासा है भाई। अच्छा ये है पतासा, इसकी मांग है? ये देखो भाई ये छोटा साइज है, इसकी मांग है आजकल ज्यादा, और ये पैकिंग कर रहे हैं भाई। हाँ जी हाँ जी आप भी आ गए, देखो जी सरदार भाई भी आ गए लेने के लिए। आओ जी लो जी भाई, गुड़ बनकर तैयार हो गया, कुछ बाद का है, कुछ टोकरे में रखा हुए। ये देखो भाई गुड़ बनकर तैयार हो गया देसी, ये भी तैयार हो रहा है, देखो जी तैयार हो गया जी बिल्कुल। तो भाइयों ये गुड़ बनाने की प्रक्रिया दिखाई बनना आपको, कि आज हम अपना खुद का गुड़ भी बनवा रहे। और ये देखो ये खोई का फील्ड है, इस तरीके से खोई फैला देते हैं और देसी गुड़ इस तरीके से बनता है भाइयों कुल्लू में। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।